हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे एग्जाम के लिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा ये वीडियो। सो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला, दिल्ली के तख्त से राज करने वाली महिला पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोधी के बीच। नटराज की प्रसिद्ध कांस प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? चोल कला। राजस्व माल गुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता करने किसने की थी? टोडामल ने। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित की थी? सवाई जयसिंह ने। सर देशमुखी शब्द किससे संबंध है? राजस्व से। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? बौद्ध था। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाण भट्ट। सिंधु घाटी का विशाल स्नानगर किस स्थान से संबंधित था? मोहनजोदाड़ो से। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? इंडो बैक्टीरियन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत पे। महादेव देसाई किसके सचिव थे? महात्मा गांधी के। स्वतंत्रता कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मारा था? जतिन दास। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई 1885 में। इसका वीडियो मैंने पहले से दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे अधिवेशन के बारे में, तो आप प्लीज़ जाके उसे देख लीजिएगा, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की किस वर्ष स्थापना की गई थी? 1942। इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है कि कौन सा संगठन किस वर्ष बना है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके ये वीडियो भी देख सकते हैं कौन सा संगठन कब बना था, ठीक है। 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ पर हुआ था? सूरत में। भारत में पहला समाचार पत्र जिसने शुरू किया था? जेम्स ए हिकी, बंगाल गैजेट, ये भारत का पहला समाचार पत्र है। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? वीडी सावरकर। प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखित था? कृषि सभ्यता के लिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ? वर्ण व्यवस्था के बुराइयों को दूर बुराइयां छुटकारा दिलाने के लिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री फ्राहयान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? गुरु तेग बहादुर का। इसका भी वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा कि कौन सिख के कितने गुरु हुए और उनके वो कब कब हुए, ठीक है। एलोरा और एलिफेंट के शैलकृत चैत्र किस कला की हैं? राष्ट्रकूट की। गुलाम बस का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका भी वीडियो मैंने पहले दे रखा है, आप देख लीजिएगा कि कौन से वंश की स्थापना किसने की और किस वर्ष हुई, इसे आप जाके देख लीजिएगा। शेर शाह सूरी इतिहास के किस रूप में प्रसिद्ध है? महान प्रशासक के रूप में, ठीक है। मानस बदरी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। पहला विश्व युद्ध बर्सिलोनिया की संधि पर हस्ताक्षर के बाद फ्रांस समाप्त हुआ था? बर्सिलोनिया किस देश में है? फ्रांस में। कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल। गांधी जी ने 1942 में आमरण अनशन तब शुरू किया था जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे।
1942 ईसा में करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इसका भी वीडियो मैंने डिटेल में दे रखा है, आप देख लीजिएगा कौन से स्वतंत्रता सेनानियों ने किस किस प्रकार के नारे दिए थे, शुरू से लेकर अंत तक सारे नेताओं और सारे राजनेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के नारों का विशेष वीडियो मैंने एक अलग बना रखा, आप उसे देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन निके द्वारा चलाया गया था, किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अंग्रेज ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? जहांगीर के। ठीक है, सन 1947 का गदर असफल रहा क्योंकि ना तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। ठीक है, भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? सर सैयद अहमद खां। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने संगठित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, चालेंग खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? इल्तुत मिस्क। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल। इसका भी वीडियो मैंने दे रखा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण कृतियां किसने बनाई, तो आप उसे मुझे मेरे यूट्यूब वीडियो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, हर शरीर चरित्र किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। लोगों से सीधे संवाद रखने वाले, सीधे बात करने वाले राजा कौन था? अशोक। पानीपत की तीसरी लड़ाई में 14 जनवरी 1971 को मराठों को हार खानी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने उत्तर से राजवाड़ों और लोगों को अपने से अलग कर दिया था। लुम्बिनी किसका जन्म स्थल है? बुद्ध जी का। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पारणी ने। गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? लोथल। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। थैंक यू फ्रेंड्स।